नरेंद्र सिंह भाटी। जिला बाड़मेर जैसलमेर एवं बालोतरा में विगत 5 वर्षों में पाक विस्थापितों को नागरिकता प्रदान किए जाने के संबंध में कितने आवेदन प्राप्त हुए, प्राप्त आवेदनों में से कितनों का निस्तारण किया गया तथा कितने लंबित है? माननीय अध्यक्ष महोदय, खंड एक, जिला बाड़मेर जैसलमेर एवं बालोतरा में विगत 5 वर्षों में प्राप्त आवेदनों का संख्यात्मक विवरण निम्न अनुसार है। नंबर वन, बाड़मेर, जिला बाड़मेर विगत 5 वर्षों में कुल प्राप्त आवेदन 72, निस्तारित इनमें से हुए 28 और लंबित है 44। दूसरा है जैसलमेर, जिसके अंदर 294 कुल आवेदन थे, प्राप्त हुए 56 निस्तारित हुए और 238 लंबित हैं। और तीसरा है बालोतरा जिला, 7 आवेदन प्राप्त हुए और निस्तारित कोई भी नहीं हुए और 7 लंबित है। कुल आपके जो प्रश्न जो पूछा तीनों जिलों का एक समान, उसके अंदर 373 आवेदन प्राप्त हुए, निस्तारित हुए 84 और लंबित है 292। माननीय सदस्य जी, क्या यह सही है कि पाक विस्थापित नियमों एवं प्रक्रियाओं से परिचित नहीं होने के कारण आवश्यक कमी पूर्ति समय पर नहीं कर पाते तथा नागरिकता आवेदन पत्रों के निस्तारण में विलंब हो रहा है? यदि हाँ तो विभाग जिला स्तर पर इस हेतु विशेष हेल्प डेस्क, सलाह केंद्र, नोडल अधिकारी नियुक्त कर आवेदन पत्रों को शीघ्र निस्तारण का राज्य सरकार विचार रखती है? यदि हाँ तो कब तक, और नहीं तो कारण सदन मेज पर रखें। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे पास यहाँ पर सूचना फिगर्स भी हैं कि जो ये पूरे राजस्थान का, मैं आपको एक बारी बता देता हूँ, टोटल एप्लीकेशन रिसीव 2,465, उसमें से सर्टिफिकेट्स इशूड आपके 350। आपके जो 2016 से 24 जो है सिटीजनशिप ग्रांटेड, अभी तक 2016 से 24 तक पूरे राजस्थान में 2,329 हुई है। राजस्थान की जो पूरी पेंडेंसी है, टोटल पेंडिंग 1,566 और उसमें से 300 जो है आईबी की रिपोर्ट के प्रति पेंडिंग है। माननीय सदस्य ने जो बोला उसके मैं ये बताना चाहूंगा, कलेक्टर्स जो हैं, कलेक्टर्स को अधिकृत किया गया है नए एक्ट के तहत कि वही जो है इसके इंचार्ज रहेंगे, और गृह विभाग ने कलेक्टर्स को चिट्ठी भी लिखी है और बोला कि इसके अंदर इसको फास्ट फॉरवर्ड करने के लिए हर महीने कैंप्स रखे जाएंगे और जो जो प्रोसेस जो है उसको बिल्कुल सिंप्लीफाई कर दिया है। मैं माननीय सदस्य को मैं बता दूंगा कि 6B के तहत क्या क्या दस्तावेज चाहिए, बहुत कम चाहिए, और उसके बाद जो दूसरे सेक्शन 5 और 6 है उसके अंदर क्या क्या चाहिए आपको बता दूंगा। ये अफगानिस्तान और बांग्लादेश और पाकिस्तान, यहां से जो माइनॉरिटीज जिसको गिना गया है उसमें हिंदू, सिख, पारसी, जैनी, ऐसे क्रिश्चियन, ऐसे 6 अपन ने कैटेगरीज दिए जिनको हम माइनॉरिटीज मानते हैं, और वो इंडिया में जो आ रहे हैं उनका पासपोर्ट वैलिड होना चाहिए, उनका वीजा वैलिड होना चाहिए, और हम बिल्कुल इसको बिल्कुल प्रायोरिटी पे इनको प्रोसेस कर रहे हैं, जल्दी करना चाहिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका संरक्षण चाहूंगा। हो गया, उन्होंने उत्तर दे दिया, कर रहे हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि कलेक्टर के पास में पहले से खूब सारी पेंडेंसी रहती है, एक विशेष नोडल अधिकारी या जिला स्तर पर कुछ रखने का प्रावधान रखते हैं।